नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, लखनऊ से पेपर लीक के लिए बनेगा सख्त कानून। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि अब सेंट्रल में एक सख्त कानून बनेगा और वो लोकसभा से पास भी हो गया, हालांकि अभी उस पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगी है, अभी वो लागू नहीं हुआ है। उसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा कानून बनने जा रहा है शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में कि इस कानून का प्रभाव होगा या नहीं होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार लाने वाली है। इसमें एक चीज़ और है कि एग्जाम हाल में अगर आप कोई गलती करेंगे तो उसके लिए भी अपराध की सजा निर्धारित की गई है। आ रही है कि सख्त कानून होगा, पेपर लीक पर जो नया कानून लाया जाएगा इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान हो सकता है, 1 करोड़ रुपए तक के अधिकतम जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है। योगी सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। यानी देश में नीट परीक्षा पर छिड़े बवाल के बीच यूपी में पेपर लीक पर नए कानून की आहट सुनाई दे रही है। मतलब साफ है कि योगी सरकार पेपर लीक माफिया को जरा भी बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम योगी ने 8 जून को एक्स पोस्ट पर नए कानून का ऐलान भी किया था और लिखा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था वो अब कानून की शक्ल लेता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, अभ्यर्थियों का गुस्सा सरकार को भुगतना पड़ा और कहीं ना कहीं डैमेज लोकसभा चुनाव। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि सीएम योगी पेपर लीक को लेकर काफी सख्त है, यूपी सरकार किसी को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं देगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार 2017 से लेकर अब तक हमेशा हमने उत्तर प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के नियत के साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमारा जो युवा है, नौजवान है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। तो इस समय मीडिया में इस समय ये मामला हाईलाइट, मैं अभी पूरी बात भी बताऊंगा आगे इसके। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा, योगी सरकार बना रही पेपर लीक कानून को लेकर के सख्त प्लान, दोषियों को होगी उम्र कैद और लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। और उसमें प्रावधान ये है कि अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है तो उसके पास जो संपत्ति है वो जब्त की जाएगी, डिटैच की जाएगी। और ये सीएम योगी का ट्वीट है जो उन्होंने 8 तारीख को किया था। प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए जल्द ही कानून लाने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे, सीएम योगी। और जो लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, खास तौर से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसका एक कारण पेपर लीक भी है। चुनावों के कुछ दिन पहले ही फरवरी में परीक्षा हुई थी और मार्च में विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, फरवरी के लास्ट में विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और उसके बाद तुरंत लोकसभा के चुनाव, तो सीधे सीधे इसका असर निश्चित तौर पर सभी लोकसभा की सीटों में उत्तर प्रदेश में पड़ा है। पेपर लीक हालांकि मुद्दा केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, भारत के लगभग सभी राज्यों में पेपर लीक हुआ है। चाहे वो राजस्थान में दूसरी सरकार रही हो तब भी पेपर लीक हुआ है, चाहे वो बिहार की सरकारें रही हो वहां पर भी बीपीएससी में सवाल उठे हैं। आपको पता होगा बीपीएससी के पेपर लीक हुए, शिक्षक भर्तियों के, नीट के पेपर, सीटीएट के पेपर, लेकिन इस बीच में कुछ ज्यादा ही पेपर लीक होने लगे थे। तो यहाँ पर यह माना गया कि सरकार की जो हार हुई है उसमें पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि पेपर लीक के अलावा भी मुद्दा जो था वो सबसे बड़ा ये था उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर नौकरियां ही नहीं दी जा रही थी। मामला तो यहाँ पर हाईलाइट हो गया, निश्चित तौर पर ये नहीं होना चाहिए, पेपर लीक बड़ा मुद्दा था मैं मानता हूं, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां ही नहीं आ रही थी। 6 साल बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो को बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं इसमें न्यूज में क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि इसमें पेपर लीक से युवाओं में नाराजगी थी, इन सब के बीच में सीएम योगी ने पेपर लीक मामलों में नया और सख्त कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर एक ये दैनिक भास्कर है और इसने बताया भी कौन कौन सी परीक्षाएं जो है वो लीक हुई थी। यूपी में 7 साल में 8 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक। देखिए इसमें वो, चूंकि ये बड़ा न्यूज पेपर है, ऑफिशियल है, तो ये केवल वही खबरें देगा जो ऑफिशियल है, जिनके पेपर रद्द हुए थे। तो जो 2017 में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया था फिर रद्द किया गया था, ये पेपर ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन का जो पेपर वो ऑफलाइन लीक हुआ था, सभी ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में पीडीएफ पहुंच गई थी। ऑनलाइन पेपर था शाम को और उसके 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले एक जो पीडीएफ है वो वायरल हो गई थी और हालांकि सरकार ने संज्ञान में लिया और इसको रद्द किया। तो एक ये पेपर लीक हुआ था। यूपी ट्रिपल एससी का लिखा है कि नलकूप विभाग की भर्ती थी और भी बहुत सारी भर्तियां थी, हालांकि ये नलकूप विभाग की भर्ती की बात है पर नाम नहीं लिखा हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो गया,
इसके अलावा भी ज्यादातर जो पेपर हैं वो लीक होते रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा उदाहरण तो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें लोग 150 में 145 42 42 नंबर ले आए। असंभव सी बात थी, ऐसे विद्यार्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हो गए थे। हालांकि सरकार ने रद्द नहीं किया क्योंकि वहां पर कोई चुनाव नहीं थे आसपास, इसलिए सरकार ने उसको रद्द नहीं किया था। और विद्यार्थियों का आंदोलन भी उस तरीके का नहीं था। हालांकि निश्चित तौर पर बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी, जांच भी हुई थी, एसटीएफ ने पकड़ा भी था, बाद में छोड़ा भी था। ऐसे लोग बन गए थे, मास्टर बन गए हैं जिनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता था। धर्मेंद्र पटेल का नाम याद होगा, डीजे वाला बाबू, तो डीजे चलाता था एक लड़का, उस समय बहुत ज्यादा पेपर में आया था, मीडिया के हवाले से जानकारी निकल करके आई थी। और बहुत सारे लोग थे, गिनती नहीं है। इसी प्रकार से 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ जब कापियां जलाएगी। और जो दरोगा भर्ती अभी हाल ही में हुई थी, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कितना ज़्यादा ऑनलाइन पेपर था, उसमें कंप्यूटर हैकिंग के बारे में बहुत सारे लोग गिरफ्तारियां हुई थी, पकड़े गए थे। 300 से ज़्यादा लोग दरोगा भर्ती में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन विद्यार्थी चिल्लाते रह गए, कुछ हुआ नहीं। तो ये एक तो बहुत सारी भर्तियाँ इस बीच में लीक हुई। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लीक होती थी, पहले भी लीक होती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी लीक होती थी। लेकिन ये सरकार, ये जो सरकार थी, ये जो पार्टी है, ये पार्टी विद डिफरेंस का नारा देती है, भार और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस बोलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे ये उम्मीदें नहीं थी, तो यहाँ पर भी खूब सारा पेपर लीक हुआ। दूसरी बात कि जो ये हार हुई है, ये हार का कारण पेपर लीक तो था ही, और प्लस इसमें भर्तियाँ भी बहुत दिन से नहीं आई, ये बहुत सारे अध्याचन वगैरह रुके हैं, तो ये भी एक कारण था। तो इधर सीएम योगी का ध्यान गया है, लोगों ने बताया है, कर पाते नहीं कर पाते, उनकी क्या क्षमता है, किस चीज़ में क्षमता वो है, वो भी एक अलग बात है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब वो सख्त हैं और नकल माफियाओं को बख्शेंगे नहीं। और यहाँ पर देखिए यूपी टीईटी का भी पेपर लीक हो गया था, ये देखिए लिखा है यूपी ट्रिपल एससी पेट का लिखा, अच्छी बात है। हाँ, और अब बात करते हैं ये जो पेपर लीक जो कानून बनने वाला है, इसे कौन बनाएगा। लिखा है कि सबसे पहले नकल रोकने के कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा और इसमें न्याय एवं विधि विभाग और गृह विभाग काम करेंगे। मसौदा बनाकर के मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा, क्योंकि दोनों विभाग सीएम योगी के पास ही हैं। सजा क्या हो सकती है ये भी देख लीजिए। लिखा है कि अन्य राज्यों से कड़ा कानून लाया जाएगा, और जहां तक मुझे जानकारी मिली कि मसौदा बन चुका है। सजा के प्रावधान के लिए अन्य राज्यों की से तुलना की जाएगी। इसका मसौदा तैयार करने वाले विभाग देखेंगे कि आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है। गृह विभाग ये देखेगा कि कोर्ट में कानून के तहत आरोपी को अधिकतम दंड क्या दिलवाया जा सकता है। अगर राजस्थान के मॉडल पर यूपी सरकार लाती है तो उम्र कैद की सजा या 10 करोड़ रुपये जुर्माने के दंड का प्रावधान भी किया जा सकता है। इसमें NSA राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट और गैंगस्टर जैसे एक्ट लगाए जा सकते हैं, अगर यानी NSA, और अगर ये कानून इसके दायरे में आए तो इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चल सकता है। और केवल कानून ही नहीं बनाया जा रहा, परीक्षा में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। लिखा सीएम योगी ने कहा कि चयन परीक्षाओं के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही सेंटर बनाया जाएगा। देखा होगा भी आपने, प्रयागराज में एक प्राइवेट कॉलेज था जहां से आरओ का पेपर लीक हुआ, बिशप जॉनसन की चर्चा है, और सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। परीक्षा केंद्र नगरी होंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। परीक्षा केंद्र बनाने में महिलाओं और दिव्यांगों को सहूलियतों का ध्यान रखा जाएगा, ये सब बातें भी उन्होंने कही। लिखा कि पहले भी कानून थे, हालांकि पहले के कानून में एक चीज थी कि आज पकड़ा गया कल जमानत, आपने देखा भी होगा। और बताया जाता है कि जो माफियाओं के हौसले इसलिए बुलंद थे कि आसानी से इनकी जमानत हो जाया करती थी। यूपी में 1998 बने कानून के तहत कार्रवाई की जाती है, 1 से 7 साल तक की सजा मैक्सिमम और 10,000 जुर्माने का प्रावधान है। लिखा है यहाँ पर आगे कि अब इन गड़बड़ियों को अपराध माना जाएगा। देखिए ये इससे कुछ नहीं होगा, मैं बताऊँ आपको, इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जब तक संबंधित जो भी विभाग हैं, जो आयोग हैं, जो भर्तियाँ करवाते हैं, उन पर जब तक नकेल नहीं कसेगी, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, उनको टाइट नहीं किया जाएगा, तब तक इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। और विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि जब तक जितने भी भर्ती बोर्ड हैं या भर्ती आयोग हैं, इन पर सख्ती नहीं लगेगी, इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी और ये खुद नहीं सोचेंगे, तब तक इस पर लगाम लगाना नहीं है। और माँ आप खुद ही सोचिए, अगर लचर व्यवस्था रहेगी कि सबको पता रहेगा कि कहाँ पर पेपर छप रहे हैं, या ऐसे आप दागी प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दे देंगे जहाँ जो पहले भी यादों में रहा है, जहाँ पर पहले भी पेपर लीक के आरोप लगे हैं, तो शिक्षा माफिया क्या, व्हाट्सएप का जमाना है आजकल, तुरंत वायरल हो जाएगा पेपर, तुरंत कोई भी जाकर के फोटो खींच लेगा कि भाई यहाँ पर पेपर छप रहा है, फोटो खींच लेते हैं। तो बताइए उसमें कोई उसको रोक सकता है? आप लोग कमेंट करिए। अब आगे बढ़ते हैं, बीपीएससी में भी अभी हाल ही में जो शिक्षक भर्ती वाला मामला आया है, जो झारखंड में लोग पकड़े गए थे TRE3 में, उसमें भी यही मामला आया था कि आखिरकार इन लोगों को कैसे पता चला कि ट्रक में जो पेपर आ रहे हैं, तो इस रेस्टोरेंट में ये ट्रक खड़ा होगा जहाँ से पेपर निकाला गया, कैसे पता चल जाता कि किस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छप रहा है।
ये सोचने वाली बात है। आइए नीचे देखते हैं। नीचे लिखा है कि क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने की मदद लेना। और लिखा है कि परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, आप किसी की मदद अब मत करिएगा, कोई पूछे या इशारा करे, अब ये भी अपराध माना जाएगा। एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। कापियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति के छेड़छाड़ नहीं करना है। सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके से छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, जहां पर ऑनलाइन सेंटर होते हैं ना वहां पर ये बहुत हो रहा है आजकल, कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, ये उन्हीं के लिए है जहां पर एग्जाम होता है, यानी कि सरकार को ध्यान है कि कहां कहां सी चीज़ें हो रही हैं। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, या परीक्षा एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना और नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना, क्योंकि ये फर्जी लोग कुछ करते हैं, भर्तियां निकालते हैं फर्जी वेबसाइट से, फर्जी वेबसाइट बना लेंगे, वैकेंसी निकाल देंगे खाद्य निगम खाद्य विभाग से, पशुपालन विभाग से, इस तरीके की उनके लिए। अब आ जाइए मुद्दे की बात, क्या इस सख्त कानून से धांधली रुक जाएगी? इस सवाल पर पूर्व आईपीएस राम प्रताप सिंह कहते हैं, केवल सख्त कानून बनाने से इस तरह के मामलों पर लगाम नहीं लगेगी। क्या जिन प्रदेशों में यहाँ से ज्यादा सख्त कानून हुआ नकल माफिया निष्क्रिय हो गए? हाँ, मैं बता दूं कि बहुत सारे राज्यों में इस तरीके के कानून बनाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में ये कानून बहुत पहले बन गया था, उत्तराखंड में भी ये कानून बहुत पहले बन गया था, छत्तीसगढ़ में 2008 में ये कानून बन गया था, झारखंड में 2001 में बन गया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 97 में, और उड़ीसा में भी 1998 में ये कानून बन चुका है, लेकिन पेपर सब जगह लीक हो रहा है। उसका रीजन ये है कि ये जो कानून बनाते हैं ना, जो मसौदा तैयार करते हैं, जो ड्राफ्ट बनाते हैं, वो अधिकारी ही बनाते हैं, और वो अपने लिए यहाँ पर कोई कालम नहीं जोड़ते हैं, अपने लिए ये कोई कालम नहीं जोड़ते, तो उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है कि जिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा होगी या जिस आयोग की परीक्षा होगी उसके चेयरमैन की जिम्मेदारी होगी या परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी होगी या इस तरीके का उससे वसूला जाएगा या इस तरीके की चीज़ें। फिर भी चलिए, अच्छी बात है, कम से कम नज़र गई, सभी जगह नज़र रहे, ये हो गया आज का वीडियो। और एक बात मैं फिर से कहूँगा कि कानून बनाते रहिए, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप लोग जो है भर्तियाँ भी निकालें, जितने भी रिक्त पद हैं उनका रोड मैप जारी करें और समयबद्ध तरीके से भर्तियाँ पूरी हों, केवल विज्ञापन ही नहीं निकले, विज्ञापन निकले तो तय समय के अंदर विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल जाए, अगर विद्यार्थियों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।